If you don't spend your money, then who will? What if all your money ends? I've been broke before. I didn't die. If I spend money, I'm paying taxes. So I'm building my country. It's called being patriotic. I'm practicing for being rich. Hi everyone and welcome back to my channel. I am Kishwin and I really hope you are doing well. सब safe हैं, सब अपने घरों में हैं and सब बिल्कुल सही हैं. जो ठीक नहीं है उनको get well soon. I am keeping you in my prayers. So as you have already read the title, today is all about how to be broke part 4. I think how to be broke part 4 is coming after a really long time. और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जो आप लॉकडाउन में अपने पैसे बचाना चाह रहे थे, कैसे आपको पैसे नहीं बचाने हैं, कैसे आपको सारे आपकी सेविंग्स उड़ा देनी है नायका पे. जी हाँ, कैसे सेल आए और आप अपने सारे पैसे सेल में लगा दें, बिल्कुल मेरी तरह. लॉकडाउन हो गया इसका मतलब ये थोड़ी है कि पैसे बचाने हैं. नहीं नहीं नहीं, वो पैसे आपके बचने के लिए बने ही नहीं है, उनको सिर्फ खर्च करना. बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपने मेरे बाकी हाउ टू बी ब्रोक पार्ट नहीं देखे हैं सो प्लीज जाके देख लो, द लिंक विल बी अप हियर. एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन विद द वीडियो. सो इस वीडियो में मेनली चीजें वो हैं जो मैंने नायका से मंगवाई हैं एंड रिसेंटली नायका की सुपर सेवर समर सेल, सुपर समर सेवर सेल, वट एवर इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट नेम. सो नायका की सुपर समर सुपर सेवर सेल, आई थिंक दैट इज वॉट इट इज. जो ये सेल थी वो सेल आई थी एंड मैंने ऑनेस्टली काफी टाइम बाद खुल के परचेजिंग करी, मतलब यू नो सेल परचेजिंग करी नायका से, दैट इट वॉज अ बिग सेल. सो तीन चार चीजें कुछ ऐसी थी जो मैंने मार्च में परचेज करी थी, जो कि मतलब मुझे जरूरत थी उनकी, एसेंशियल था या समथिंग एल्स. बेसिकली मार्च एंड में मैं गई थी गोवा, जिसका व्लॉग मैं नहीं डाल पाई अभी तक बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन गोइंग ऑन. आई फील दैट इट माइट ऑफेंड सम पीपल बिकॉज इस टाइम पे वेकेशन फोटोज वीडियोज एंड व्लॉग्स देखना ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करेंगे. सो मैं किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने अभी तक वो व्लॉग नहीं डाला. लेट्स मूव ऑन टू हॉल नाउ एंड फर्स्ट विल बी द थिंग्स जो मैंने अभी रिसेंटली ये समर सेवर सेल से मंगवाई. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज दिस ये वाओ का एप्पल साइडर विनेगर का रीफिल पैक. आई गॉट टू ऑफ दिस, वन फॉर मी एंड वन फॉर माई सिस्टर, बिकॉज ये फेस वॉश एक्चुअली में मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, काफ़ी बढ़िया फेस वॉश है ये. तो यू नो मैंने इसका ये रीफिल पैक मंगवाया है बिकॉज आई ऑलरेडी हैव यू नो दी बॉटल एंड ये काफ़ी अच्छी चीज़ है वाओ की कि ये अपने फेस वॉशेस का रीफिल पैक रखते हैं, ताकि यू नो किसी का फेस वॉश खत्म हो जाए तो उसको ऑल टुगेदर एक नई बॉटल ना खरीदनी पड़े. सो अंदर से इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. Another quite an essential thing for me is my Biotique seaweed anti-fatigue eye gel, जो मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ, दो तीन सालों से, और मैं काफ़ी इसकी डब्बियाँ ख़त्म कर चुकी हूँ. तो जब ये ख़त्म हो जाती है इसको आना ही होता है, तो ये आ गई है वापस फिर से. हेलो. सो नाउ वी हैव दिस स्क्रब. दिस इज़ द जेजू वॉल्केनिक लावा deep pore cleaning foam scrub. Yes, and I got this for my mom, not for myself, because unko ek scrub chahiye tha to maine ye manga diya. Maine apni stories mein keh diya tha ki ye face shop ka nahi hai, but I'm sorry ye face shop ka hi hai na. Yahan pe nahi likha tha, yahan chota sa likha tha face shop, jo ki maine baad mein dekha. To ye scrub mangaya humne aur मम्मी ने एक बार स्क्रब को यूज़ करा है एंड मम्मी ने कहा है कि ये स्क्रब बढ़िया लगा उन्हें. बाकी तो जब वो थोड़ा लंबा यूज़ कर लेंगी तभी बताएंगे आपको. नाउ लेट्स मूव ऑन टू मोर थिंग्स जो कि है नॉन एसेंशियल. मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, इनके बिना मेरा काम चल जाएगा, इनके बिना भी यू नो ज़िंदगी चल सकती है मेरी, बट मैंने फिर भी मंगा लिए. क्यों? बिकॉज आई वॉन्ट टू बी ब्रोक, आई डोंट नो हाउ टू सेव मनी. तो पहली नॉन एसेंशियल चीज़ है ये ब्राउ जेल. This is the Elf Wow Brow Gel in the shade Deep Brown. As you can see,
दिस इज द पैकेजिंग और अंदर से दिखता है ये वाओ ब्राओ जेल काफी छोटा, बहुत ही छोटा। पता नहीं क्यों मुझे लगा था कि ये मस्कारा जितना बड़ा आएगा, बट यू नो टेक्निकली ये इतना ही आता है और इतना ही आना चाहिए। और इसका जो वो स्पूली है वो छोटा ही होना चाहिए, मतलब मैंने इसे ऐसे खोला और ये इतना सा स्पूली निकला। कैन यू सी, इतना छोटू सा स्पूली निकला इसका। एंड आई वाज लाइक, इतना सा स्पूली मैं क्या करूँगी इसका। फिर मुझे ध्यान आया कि अच्छा ये तो आईब्रोज के लिए होता है, और आईब्रोज के लिए इतना सा स्पूली बहुत है, बहुत ही ज़्यादा है। तो आई एम नॉट गोना यूज़ दिस नाउ, बट यू विल सी दिस इन वन ऑफ माई मेकअप ट्यूटोरियल्स, आइदर ऑन इंस्टा और ऑन यूट्यूब। सो यू नो, इसका अगर आपको यूसेज देखना है तो दोनों जगह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अप वी हैव इज दिस नाइसिनामाइड एंड जिंक सीरम फ्रॉम मिनिमलिस्ट। इट इज 10% नाइसिनामाइड प्लस जिंक। दिस इज अ फेस सीरम। एंड अगर आपको थोड़ा बहुत इस ब्रांड के बारे में पता हो तो मिनिमलिस्ट माना जाता है कि ऑर्डनरी की कॉपी है द ऑर्डनरी। एंड ऑनेस्टली जब से मैंने सुना कि ये ऑर्डनरी की कॉपी है, मैं काफ़ी एक्साइटेड थी ट्राई करने के लिए। दो मैंने ऑर्डनरी का कभी कुछ इस्तेमाल नहीं करा, तो यू नो आई वॉज रियली एक्साइटेड टू ट्राई दिस। एंड मैंने पहली बार खोला है, सो लेट्स सी। मुझे पागल बनाया गया है, इसके अंदर से एक डब्बा निकला है, डब्बे में डब्बा। बच गए ये लोग, इस डब्बे के अंदर सीरम रख दिया इन लोगों ने, नहीं रखते ना बहुत मारती इनको। एंड दिस इज हाउ द सीरम बॉटल लुक्स लाइक, लाइक अ नॉर्मल सीरम बॉटल। दिस इज आई थिंक, या दिस इज 30 ml। और इसके अंदर काला सीरम तो नहीं होगा, लगता नहीं है। नहीं नहीं, सीरम तो ट्रांसपेरेंट है जी। आइए देखते हैं, ये देखिए, ये है आपका सीरम, और ये बुप, और ये बुप 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 बुप। नाइस ड्रॉपर, आई रियली लाइक द ड्रॉपर। और काफ़ी ऊपर तक भर के दिया सीरम इन्होंने, खाली बोतल नहीं दी ऊपर से, वेरी गुड। सो नाउ आई एम एक्साइटेड टू ट्राई दिस एंड आई विल लेट यू नो सून। नेक्स्ट अप वी हैव इज दिस वाइट नेल पेंट फ्रॉम वॉट, फेसेस कैनेडा। या सो आई वॉज लुकिंग फॉर अ वाइट नेल पेंट, अ नाइस वाइट नेल पेंट, बिकॉज मेरी पहले वाली थिक हो गई है। तो मैंने सोचा एक नई मंगा लेते हैं जो थोड़ी सस्ती भी हो, महंगी नहीं खरीदनी थी, तो ये काफ़ी सस्ती मिल रही थी मुझे। तो आई गॉट दिस एंड दिस इज़ क्वाइट नाइस। मैंने अभी यही लगाई हुई है, बट आई वुड नॉट से इट इज़ द बेस्ट। इट इज़ रियली गुड, रियली डिसेंट, बट नॉट द बेस्ट। इससे कई बेटर नायका है या के ब्यूटी है, उनके नेल पेंट फॉर्मूलाज काफ़ी बढ़िया हैं, डेफिनेटली इससे बढ़िया हैं। इट्स नॉट दैट कि आप ये नहीं ले सकते, ऑब्वियसली इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर अ चीपर ऑप्शन देन दोज टू, डेफिनेटली यू कैन बाई दिस वन। बट मुझे उतना ज़्यादा इसका फॉर्मूला पसंद नहीं है जितना मुझे नायका का पसंद आया। रेस्ट आई गॉट इट फॉर अ रियली चीप प्राइस, सो आई एम हैप्पी विद इट। सो देन आई गॉट दिस मिस क्लेयर सॉफ्ट मैट लिप क्रीम। यू गाइज मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस, मैंने भी इसके बारे में बहुत सुना था। And I've also heard that this is a dupe for the NYX Soft Matte Lip Cream. Miss Claire ki ye soft matte lip creams काफ़ी inexpensive हैं. I've heard the formula is fine. They're not too opaque. So let's you know swatch it and see क्या shade आता है इसका, because I'm gonna you know test it with you guys for the very first time. Then we have a lipstick. You can call it an essential because I lost this one and it was my favorite. So this is the Nykaa Ultra Matte in the shade Jane. You know how much I love this formula and I lost my Jane. I literally lost it aur pata nahi kaise kahan guma di maine. Wo bas gum gayi aur kabhi laut ke wapas nahi aayi mere paas. Kabhi nahi aayi. ऑनेस्टली मैंने एक और लिपस्टिक घुमा दी है मेरी शुगर की, दैट वॉज ऑल्सो माई फेवरेट एंड आई लॉस्ट इट। सो मैं वो भी ऑर्डर करने वाली थी, बट मैंने कहा इतना भी ज़्यादा पैसे नहीं उड़ाते, नेगेटिव में नहीं जाना है। सो आई गॉट जेन अभी, बिकॉज ये अच्छे ऑफर पे थी। एंड जेन इज अ वेरी नाइस ब्राउन शेड एंड आई लव दिस शेड। ऑल्सो द स्मेल इज अमेजिंग।
सो आई हैव अप्लाइड इट क्वाइट अ फ्यू टाइम्स जब ये मेरे पास थी. सो आई जस्ट इंसर्ट अ पिक्चर हियर फॉर यू टू सी कि ये शेड कैसा लगता है. So last but not the least, from this Nykaa sale, I got this Pro Art Cup brush. This is small angular liner brush. जो मैंने थोड़ा सा use कर लिया तभी उसके ऊपर ये pink आ रहा है. The number is PE27. ये इस तरह की packaging में आता है with a cover so that it maintains its shape. And this is the brush. And I really like Pro Art brushes. Whenever I want a brush, I always buy the Pro Art one. जैसे भी ब्रश चाहिए मैं Pro Art में ही देखती हूँ. So yeah, this is the brush. Pro Art के ब्रशेज की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया होती है and they are very inexpensive as compared to other brushes. So I always go for these. और इसी के साथ जो मैंने ये specifically Nykaa summer saver sale से जो भी चीज़ें मंगाई वो खत्म होती है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि वीडियो खत्म हो रही है. एज यू कैन ऑलरेडी सी द लेंथ की वीडियो भी थोड़ी और लंबी जाएगी. एंड अभी ऑल्सो मदर्स डे गया है तो यू नो काफ़ी और वेबसाइट्स पे सेल चल रही थी. तो मैंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम HOK मेकअप से दो चीज़ें मंगाई बिकॉज उनकी साइड पर फ्लैट 30% ऑफ चल रहा था विच वॉज रियली ग्रेट. तो मैंने सोचा यू नो लेट्स ट्राई HOK मेकअप. मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ से कुछ मंगाया है. फर्स्ट इज दिस LA गर्ल का शॉक वेव नियॉन आई लाइनर इन द शेड क्रीम. इट इज़ अ नियॉन येलो आई पेंसिल एंड लेट्स ओपन दिस. HOK मेकअप से तो बहुत जल्दी ऑर्डर आ गया, बहुत जल्दी. आई डेंट एक्सपेक्टेड टू कम यू नो दिस क्विकली बट एक दिन में ही आ गया. आई वॉज रियली शॉक्ड. तो फाइनली हमने पैकेजिंग खोल ली है. दिस इज हाउ द लाइनर लुक्स लाइक. मैंने सीधा पकड़ा, हाँ सीधा. दिस इज द लाइनर and let's quickly swatch it. Then another thing from HOK makeup I have is this Wet n Wild ka concealer. I really wanted to try Wet n Wild ka concealer because again I've heard so much about it. And ye concealer maine particularly light shade mein mangaya hai. This is not my shade. तो मैंने लाइट शेड में मंगाया है ताकि मैं इसे यू नो अपने आईलिड्स के ऊपर यूज कर सकूं एज माय आई शेडो बेस. तो आई एम रियली एक्साइटेड टू ट्राई दिस. दिस इज इन द शेड लाइट मीडियम बेज. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ फ्यू ऑफ द प्रीवियस परचेजेस जो मैंने मार्च के महीने में करी थी. दोज वर एसेंशियल्स और एट अ रियली गुड डिस्काउंट एंड या फिर मुझे वो अपनी ट्रिप के लिए चाहिए थी. सो अ फ्यू थिंग्स ऑफ दैट एज वेल. सो फर्स्ट अप आई गॉट दिस स्क्वेयर्स का मैटिफाइंग मिनरल सनस्क्रीन जिसकी पैकेजिंग का काफ़ी बुरा हाल हो गया है. सो इसकी पैकेजिंग को देख के आप लोग करोगे क्या. बट दिस इज द सनस्क्रीन एंड दिस इज द बेस्ट सनस्क्रीन. दिस इज अ रियली गुड सनस्क्रीन. सो इफ़ यू वॉन्ट टू बाय अ गुड सनस्क्रीन और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर है बट काफ़ी बढ़िया है एंड कभी कभी डिस्काउंट भी मिल जाता है. एंड क्वेर्स सिर्फ Nykaa पे नहीं और बहुत वेबसाइट्स पे अवेलेबल है. सो आप उधर जाके भी देख सकते हो, इनकी अपनी साइट से भी ले सकते हो. तो दिस इज़ SPF 50 एंड दिस इज सच अ गुड सनस्क्रीन. मैं सनस्क्रीन को गोवा लेके गई थी एंड मैंने सारा टाइम यही सनस्क्रीन यूज़ करा है एंड आई डिडंट गेट यू नो टैन दैट मच. सो इट इज़ अ रियली गुड एंड इफेक्टिव सनस्क्रीन. Then I also got this Nykaa mascara. Nykaa ने 3 नए mascaras launch किए थे. So I got the curling one. This is the curl power mascara and this is like इसका जो wand है ये थोड़ा सा इस तरह से घुमा हुआ है for the curling purpose. And I must say the mascara is really good. It is not as good as the Maybelline Lash Sensational but it definitely helps you curl your lashes and wo curled lashes apni jagah pe rahe and this is a really beautiful mascara. Then we have this Nykaa ka body yogurt. This is the Wanderlust Mediterranean sea salt variant. This is a body yogurt and it smells amazing. aur ye since maine pehle mangwaya tha to aadha
आधा हो चुका है ये एंड मैं इसे डेली बेसिस पे यूज करती हूँ. दिस इज रियली हाइड्रेटिंग एंड गुड फॉर समर्स. देन आई गॉट अनदर लिपस्टिक फ्रॉम नायका. पहले ली थी, अभी नहीं ली, विच इज द नायका सोक्रेम. आई थिंक दिस इज फ्रॉम द सोक्रेम रेंज, वट एवर. मैं नीचे नाम लिख दूंगी, मुझे याद नहीं आ रहा. सो दिस इज इन द शेड लेट इट स्नूज. दिस इज अ प्रिटी रेडिश ब्राउनिश शेड एंड आई विल जस्ट स्वॉच इट फॉर यू. There is certainly a difference between this and this shade, which is not visible on camera. Firstly, this is creamy matte and this is ultra matte. And मुझे भी you know देख के पहले ऐसा लगा था कि ये दोनों same shades हैं जब मैंने ये मंगाई थी and ये मेरी गुम चुकी थी. But the real difference आपको मैं अभी ये lips पे दोनों swatch करके दिखाई देती हूँ, so you will get to know कि इन दोनों का actual difference है क्या. Then I got the most hyped mascara of all times, which is the L'Oreal Paris Voluminous Lash Paradise Mascara. This is the most hyped mascara I've ever seen. I'm sure आप सबने भी इस mascara के बारे में सुना होगा, देखा होगा कहीं ना कहीं. And this is the wand. It is different from Lash Sensational by Maybelline, different from the Nykaa one. And I must say the hype is real. The hype is what? 200%, 300%, 1000% real. ये mascara Maybelline Lash Sensational से भी बहुत अच्छा है. Maybelline Lash Sensational से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है. And I have used this and I am shocked with the results. I am like, कोई mascara इतना अच्छा कैसे हो सकता है. सो आई एम रियली इन लव विद दिस वन. दिस इज डेफिनेटली एक्सपेंसिव देन द मेबलिन वन एंड द नायका वन, बट आई थिंक इट इज वर्थ एवरी पेनी. बिल लैशेस को बहुत लेंथन भी करता है, वॉल्यूम भी देता है एंड उन्हें कर्ल्ड भी रखता है. आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि पहले लैशेस को कर्ल करो देन मस्कारा लगाओ. बिना कर्लिंग के यू नो कर्ल इफेक्ट टिकना बहुत मुश्किल है. इट इज लाइक वेन यू कर्ल योर लैशेज एंड देन अप्लाई द मस्कारा, इट जस्ट लॉक्स दैट कर्लिंग इफेक्ट. So this is waterproof and this is really amazing. Hands down, the best mascara I've ever used. Definitely worth your money. This is, I think, for 700 or 800 rupees. But you can always get it at a discount for around 500 to 550 rupees. Then I got the Colourbar Flawless Finish Primer. And I've been using this, I think I've used this 2-3 times already. And I really like this. This is a silicone based primer and it really smoothens down the texture of your skin. It really provides a very smooth canvas. It's better than the Maybelline primer, definitely much better. And with this, my purchases are finished. जी मैंने बस इतना सारा सामान खरीदा. And you all know I am broke and so are you, because I know you purchased something. If you didn't, you are a very smart person and you know how to save money and you need to teach me how to save money. इसी के साथ होती है आज की वीडियो यही खत्म. I really hope आपको How to Be Broke Part 4 पसंद आया हो. Thank you so much for watching this video. Please hit that like button if you like this video and do comment down below. Also, do let me know in the comment section below. अगर आपने Nykaa sale से कोई shopping करी या किसी और website से कोई recent shopping करी तो वो क्या करी आपने? Do let me know. Don't forget to hit the subscribe button यहाँ है, इसे जल्दी से दबा दो, अच्छे से दबा दो, भूल मत जाना. And also press that bell icon ताकि आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आए. You can also follow me on Instagram. My handle is @kishveen.kaur. And I will see you guys in my next video. Till then, goodbye and stay safe.